हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के सेकंड वीक की 8 से 14 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो कैप्रिकॉन्स, जो मैरिड कैप्रिकॉन्स है उनके लिए मैं एक चीज यहाँ पे देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपके घर का माहौल काफी अच्छा बना रहेगा, स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए, या जो ऐसे रिलेशनशिप में है जो मैरिज को ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छा टाइम है। ये चीज जो आपने फैसला लेंगे आप इस वीक में, वो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ये पता चल रहा है ये एक रिच, स्टेबल, लॉयल मैरिज होगी, हर तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड परफेक्ट। और यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे दिख रहा है एक नए घर की तरफ शिफ्ट मैरिज के थ्रू, या जैसे भी, या सिंपली आप अपने घर, होम टाउन, या कहीं भी आप जहां पे भी हैं वहां पे आप नए प्लेस पे हैं और आप इंजॉय करें, आप एक्चुअली इंजॉय कर रहे हैं कंपनी फैमिली की एंड फ्रेंड्स की। ओके और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप मैरिज और इन सब के मामले में वैसे भी काफी लकी हैं। मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। पॉसिबली आप इस वैल्यू को, इस वैल्यूएबल चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं कैप्रिकॉन्स। अगर आप स्पेशली अनमैरिड हैं तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास जो इस वक्त पर्सन है, अगर आप उसे फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी लग रहा है कि पास्ट में जो पर्सन था वो आपके लिए बेटर था। आप अभी मुझे शॉर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप इतने ज्यादा परेशान हैं। आप हैप्पी हैं, आप डिप्रेशन में नहीं हैं, आप सैडनेस में नहीं हैं, लेकिन बस जहां बात आ रही है पार्टनर चूज करने की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में कोई बेहतर था इस पर्सन से, शायद वो आपके लिए बेहतर होता या लाइफ उनके साथ ज्यादा अच्छी चलती, मगर ऐसा नहीं है। ये पर्सन गिफ्ट है यूनिवर्स का, आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी अपने करंट पार्टनर के बारे में। ओके अगर शादी की बात नहीं भी है, अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में भी है, तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास्ट पार्टनर जो थे वो आपके करंट पार्टनर से बेहतर है। ये जो आपके करंट पार्टनर है वो वाकई काफी अच्छे हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपकी क्या सिचुएशन है एक्चुअली और वहां ये सेट होता है या नहीं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ सॉर्ड्स अगेन। ये भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स कि आप अब ये टेन ऑफ सॉर्ड्स आने के बाद मुझे ये भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है आपके साथ कि आप ऑलरेडी किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से, आपके पास्ट पार्टनर को कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है किसी तरीके का, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आपके जो पास्ट पार्टनर है वो ऑलरेडी इनके बारे में जानती है। कोई ट्रायंगल लग रहा है मुझे कैप्रिकॉन, ठीक है। आप अभी भी अपने पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट किए हुए हैं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों सेम पॉइंट पे है आपके साथ, और आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपका जो पास्ट वाला पर्सन है वो बहुत ज्यादा दुखी है और वो ये नेगेटिविटी आपके अंदर भी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड है वो जानते हैं, और वो एक्चुअली में दुखी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ ऐसा, वो एक्चुअली में दुखी है और ये नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन हाँ,
जितनी भी नेगेटिविटी हो आपको देखना चाहिए कि आपके प्रेजेंट पार्टनर आपके लिए कितना एफर्टफुल है और कितना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए यूनिवर्स की दी हुई अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए. मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न. द हायरोफेंट. ओके सो यहां पे चाहे सिचुएशन जो भी हो अगर आप ट्राइंगल में भी है तो भी मुझे लगता है कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है. शायद यही कारण है कि आपने इनको कहा है कि आप और कंटिन्यू नहीं कर सकते और इसीलिए इतने सैड है टेन ऑफ सॉर्ट्स के साथ आपके जो भी पार्टनर है. या ये अपोजिट साइड से भी एग्जैक्टली रेजोनेट कर सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है तो. प्रीवियस रीडिंग्स और ईयरली रीडिंग्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप चेक करने में और कुछ इंटरेस्टेड हो तो. बट यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ट्स है और यहाँ दा हायरोफेंट है तो पॉसिबली आपने शायद इनको बता दिया है कि अब आप इनको और अटेंशन नहीं दे सकते या चीजें नहीं चल सकती ऐसे आगे और इसलिए यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ट्स है. वो दुखी है क्योंकि एक बहुत नेचुरल सी बात है. मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न. थ्री ऑफ वांड्स इन रिवर्स. बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल मतलब कि इमोशनली आप बहुत अनस्टेबल हैं. ठीक है कभी आपके मन में आता है आपको ये करना चाहिए कभी आपके मन में आता है आपको वो करना चाहिए. आप इनको बता चुके हैं कि आप चीजों को नहीं चला सकते लेकिन फिर आपका मन करता है कि आप वापस इनसे कॉन्टेक्ट करें. ओके कभी आप यहां जाना चाहते हैं कभी आप यहां जाना चाहते हैं इस तरह की चीजें और आप वापस कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं. आप खुद इमोशनली इस वक्त स्टेबल नहीं है और डिसीजन ले चुके हैं मगर डिसीजन को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे. मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न. एस ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स. ओके कैप्रिकॉर्न ये जो पर्सन है ये बहुत समझदार है जो आपके लाइफ में अभी है करंट रिलेशनशिप में है. ये एस ऑफ कप्स है अगर आप समझ सके तो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है. और नाइट ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ये आपको बहुत कुछ ऑफर भी कर रहे हैं. ओके मे बी ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आए या जिनकी तरफ आपका ध्यान जो आप में हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हो और जिनकी तरफ आपका ध्यान इस रिलेशनशिप के क्लोज होने के बाद ही गया हो. ओके तो यहां नाइट ऑफ कप्स मुझे ये पता चल रहा है कि पॉसिबली कोई फ्रेंड भी हो सकता है आप ही के सर्कल में. एंड एस ऑफ कप्स है यहां पे तो ये पर्सन जो है स्टेबल है बहुत अच्छा है. आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप राइट पर्सन को रॉन्ग वे में ना ट्रीट करें. देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और करके. मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल. मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न. लेडी पोर्शिया. डिवाइन ऑर्डर. डू व्हाट यू फील इज राइट. An important lesson is unfolding. Okay, Capricorn, इस रीडिंग के साथ ये बहुत सही जाता है. Do what you feel is right. आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए. ठीक है इस वक्त पे आप इमोशनली अनस्टेबल मत होइए क्योंकि आप जो भी फैसला लेंगे उससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखेंगे अपने लाइफ में कुछ लर्न करेंगे. ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी कारण से आपके लाइफ में आई है या किसी सिचुएशन जो ये सिचुएशन है आपके लाइफ में वो किसी रीजन से आई है और यहाँ पे आपको वही करना है जो आपको सही लगता है और इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में एक्चुअली में क्यों क्या हुआ कैसे चीजें अपने आप होती गई और कैसे वो
सब कुछ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। सो किसी की आपको एडवाइस की जरूरत नहीं इस वक्त, जो मन में आए बस वो करें, यही ओरेकल कह रहा है। ये रीडिंग काफी अच्छी थी सेकंड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।